व्हाट्सअप गाइस, इस हमारा वेयर आज मिले गए एक बहुत ही आपके लिए सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट जो कि है एक फुट कैप्स। फुट कैप कहाँ होती हैं, जो आप अपने पैरों में बांधते हैं अगर आपके पैरों में क्रैम्प आ जाए या पैरों में दर्द हो जाए, जैसे कि नी कैप्स होती थी। मैंने अभी अपने रिसेंटली जिम के लिए नी कैप्स मंगाई है, उसकी मैंने वीडियो पोस्ट कर रखी है, जो घुटनों पर लगाते हैं ताकि आपकी बॉडी पर स्ट्रेन ना पड़े। तो ये मैंने फुट कैप्स मंगाए हैं क्योंकि मेरे आजकल मेरा पैर मुड़ गया था चलते हुए। वो रीज़न क्यों था कि मेरी स्लीपर्स थोड़ी डिफरेंट मैंने ली थी, तो उनकी इजाज़त नहीं थी, तो मेरा पैर मुड़ गया था, तो पैर पूरा ऐसे घूम मुड़ गया था। तो इसलिए मैंने ये मंगाए हैं ताकि इनके ऊपर, वरना आपको पट्टी बांधनी पड़ती है। तो आइए इसको खोल के देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने अमेजोन से मंगाया है और ये मुझे पड़ा है 300 रुपये का। 299 इसका प्राइस है और ये कंपनी है हमारी कोई स्पोर्ट सोल करके, ऐसा कोई मुझे नाम तो पता नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं कि ये पैरों पे चढ़ा हुआ है, ये देखिए। और इसके अलग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, देखिए, अगर हाथों के लिए, हैंड के लिए सिपर आता है, एल्बो पैड आता है और भी प्रोडक्ट्स आते हैं इसके। ये देखिए, ग्लव्स भी आते हैं। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आप खरीद सकते हैं। अगर इसकी MRP देखेंगे तो 399 है और मैंने तो 299 का लिया है, ठीक है। पेयर है इसका प्राइस मुझे ठीक लगा, शायद इससे भी सस्ता हो सकता था, पर कोई बात नहीं। तो इसको खोल के देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे देख सकते हैं कि ये है हमारा ब्लैक कलर का। मैंने जो अपने नी कैप से वही ब्लैक कलर के मंगाए थे, तो उससे ये पेयर मैच हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसमें कंपनी की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे जो आपका होल है, ये हमारी उसके अंदर जाएगा, जो हमारी पैर की एड़ी होती है। दोस्तों, आइए इसको पहन के देखते हैं कि ये कैसी है। मेन इसका पर्पस मेरा यही था कि मेरा पैर मुड़ गया था तो मुझे बार बार पट्टी बांधनी पड़ती थी। दोस्तों, अभी इसको पहन के देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्लीपर्स पहनी हुई है और ये मैंने रिसेंटली नई ली है। तो इनमें क्या दिक्कत है कि जैसे मैंने पहले, इनमें मुझे पहनने की आदत नहीं है और मैं अगर सड़क पे चल रहा था तो थोड़ा सा खड्डा था और मेरा पैर ऐसे मुड़ गया, और एक बार मेरे राइट वाला हुआ, दूसरी बार लेफ्ट वाला हुआ, तो इसके चक्कर में मेरे पैर में स्ट्रेन आ गया। तो इसलिए मैंने नी कैप्स मंगाए हैं, वरना तो ये जो सबके घर में ही होती है, बैंडेज जिसे कहते हैं, इसको पहले आपको यहाँ पे अपने बाम लगाइए, फिर आपको बैंडेड बांधेंगे, अब काफ़ी देर लग जाएगी आपको, फिर उसको आपको लपेटना पड़ता है, संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसी के लिए मैंने मंगाई है। तो आइए इसको पहन के देखते हैं। इसमें कोई लेफ्ट और राइट का तो कुछ शायद है नहीं। ये देखिए, ये मैंने पहन लिया है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये है हमारे पैर में जो सेट हो गई है। अब मैं दूसरी पहन के देखता हूँ। अभी नई नई है तो थोड़ी एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही पहन रहा हूँ तो मुझे पता नहीं इसे कैसे पहनते, पर ज़्यादा तो रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसका ये फायदा है, एक तो एकदम ये सॉक्स की तरह हमारे पैरों में फिट हो गई है, जैसा कि देख रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आप अपनी चप्पल भी पहन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपने शूज़ भी पहन सकते हैं। तो सो ये मैं अपने शूज़ ले आया हूँ, और आइए इनको पहन के देखते हैं कि कुछ दिक्कत हो रही नहीं हो रही। दोस्तों देखिए, जैसा देख सकते हैं कि मैंने इसमें जूते पहन लिया, मुझे पता भी नहीं चल रहा, एकदम सॉक्स की तरह फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कि थोड़ी मोटी जो सॉक्स होती है वो पहनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसी के साथ अगर मैं ये बैंडेज लगाऊंगा तो बैंडेज से जो होती है काफ़ी मोटी हो जाती है, फिर आपके जो शूज़ हैं आपको शूज़ के लेसेस ढीले करने पड़ते हैं, और थोड़ा अनकम्फर्टेबल तो होता ही है, फिर आपको फिर निकाल लिए रखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये थी हमारी फुट बैंड या फुट सपोर्ट, इसके अलग अलग नाम हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो ज़रूर ले सकते हैं।
क्योंकि पैर तो सबके मुड़ते ही हैं, आपको सबको बैंडेज की जरूरत पड़ती है, तो ये एक तरह से बैंडेज का ऑल्टरनेटिव है। दोस्तों ये थी हमारी कंपनी का नाम स्पोर्ट्स सोल की, अमेजोन से मंगाई हमारी फुट कैप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।